तो दूसरे एपिसोड में आपने देखा कि राम और तान्या की दोस्ती हो जाती है, लेकिन पायल को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती। फिर एक दिन फंकी के पूछने पर पायल उसे बताती है कि वो भी राम को पसंद करती है, और जैसे ही वो अपना प्यार का इजहार करने के लिए राम के पास जा रही होती है तो लुकमान भाई के कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। राम सही टाइम पर आकर वहाँ पायल की जान बचाता है, और जैसे ही वो दोनों एक होने वाले होते हैं इतने में ही वहाँ लुकमान भाई पहुँच जाते हैं। जिसने दूसरा एपिसोड नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख सकता है। अब आगे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता है तुम किस पे गोली चला रहे थे? मैं प्यार करती हूँ इससे। लेकिन मैडम, आपका प्यार तो किसी और से प्यार करता है। क्या बात है तान्या जी, बिल्कुल सही समय पे आई हैं आप। अगर आप अभी ना आती ना तो हमारे राम भैया राम को प्यारे हो जाते, और वैसे भी आपको तो पता ही है कितना भोला है ये, आपका तो बेस्टी है ये। हाँ एकदम ठीक था भाई ने, अभी सब लोग अपने अपने घर चलते हैं, शाम को आराम से बैठ के बात करेंगे, चलो चलते हैं। एक मिनट ब्रो, तेरी जान पहचान में कोई टेलर है क्या? वो क्या है ना, ये अपने साथ साथ हमारी फड़वाएगा, सिलवानी तो पड़ेगी ना। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, हम सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्यार मैं पायल को ही करता हूँ। लो मैडम, अब तो इसने आपके सामने भी बोल दिया, अब तो ठोक सकता हूँ इसे। ये हमारा पर्सनल मैटर है, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। देखो मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और मुझे तुम दोनों के बीच में आना भी नहीं है। हाँ ये सच है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार का मतलब प्यार को पाना तो नहीं होता ना, और मुझे तुम दोनों से कोई तकलीफ नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती कभी खराब ना हो। हम हरियाणा वाले तो वैसे भी दोस्ती निभाने के लिए जाने जाते हैं, और तूने तो मेरी जान बचाई है, तेरा ये एहसान कभी ना कभी जरूर चुकाऊंगा, और तू टेंशन मत ले, हमारी दोस्ती कभी खराब नहीं होगी। क्यों भाई? हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। चल तो फिर आज तुझे तारों के शहर लेके चलता हूँ, चलें भाई। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? प्यार में ऐसा भी क्या अंधा होना कि सही और गलत में फर्क ही ना समझ में आए? आपके पिताजी की इज्जत करते हैं मैडम, इसलिए चुप रहा, वरना उसे मैं जान से मार देता। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तो चुप है, तेरा मन नहीं करता कि बदला लेने का? उन दोनों को तो इस दुनिया से ही गायब कर देना चाहिए। कुछ तो बोलो मैडम, आगे क्या करना है? सारे फसाद की जड़ वो लड़की ही है ना, अगर उस लड़की को ही गायब कर दे तो ये हुई ना बात। अब लग रहा है कि मेरी दोस्त वापस आ गई है, ऐसा करते उस लड़की को आज ही उठवा देते हैं। आज कुछ नहीं कर सकते, अगर अभी कुछ भी किया तो राम का सीधा शक मेरे ऊपर जाएगा। पहले मैं उनके अच्छे दोस्त बन जाऊं, फिर सही टाइम आने का वेट करते हैं। अब इसके लिए कौन सा सही टाइम आता है? मैडम आज ही खत्म कर देते हैं साली का खेल। बोला ना सही टाइम आने पर, मुझे बस उन दोनों को अलग करना है, फिर राम को अपना कैसे बनाना है वो मेरा काम है। आज पहली बार मौत को इतनी करीब से देखा है, अब सही टाइम आ गया तुम लोगों से दोस्ती तोड़ने का। चिल ब्रो चिल, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? ब्रो ने नया फ्लैट लिया है, वो तो देख लो पहले। ये क्यों लिया तुम लोगों ने? हॉस्टल है तो सही कॉलेज में, वहाँ मजा ना आवे यार, ये सही चीज है। हाँ ब्रो, यहाँ तुम अपनी बंदियां भी लेके आ सकते हो, होटल बुकिंग का झंझट भी खत्म। वैसे भी एक मिनट के काम के लिए होटल वालों को 1000 रुपए देने पड़ते थे। दुबे यार ये तो कुछ भी बोलता है, इसकी छोड़, हम यहाँ तीनों भाई चिल किया करेंगे, पार्टी वार्टी किया करेंगे अपनी अपनी बंदियों के साथ। भाई बंदी है ही कहाँ, तुम लोगों की तो गर्लफ्रेंड है, मैं तो आज बेमतलब में मारा जाता। बंदी तो छोड़ो, मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं है। तो टेंशन क्यों ले रहा भाई, तेरी सेटिंग करवा देते हैं। नहीं नहीं, हम इन चक्रों से दूर रहते हैं, हमें लड़के वड़के से कोई मतलब नहीं है। ठीक है तो फिर तेरी मर्जी है, मेरे को तो अब नींद आ रही है, मैं तो यहीं सोफे पे सो रहा हूँ। हाँ ब्रो मैं भी यहीं सो जाता हूँ सोफे पे। लेता क्या ले ले। मेरा नाम रेशमा है, मुझसे रंगीन बातें करने के लिए मुझे कॉल करें। ठीक है ब्रो, तुम लोग आराम करो, मैं अभी थोड़ा फ्लैट देख कर आता हूँ। हेलो हेलो
अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया रेशमा? अरे सर मैं उनका असिस्टेंट बात कर रहा हूँ। तो रेशमा से बात करवाओ ना। सर उसके लिए आपको अपनी एज कंफर्म करनी पड़ेगी। भाई 18 प्लस है, लिख लो। सर आपके पास एक OTP आया होगा, प्लीज वो बताइए। OTP 6969। थैंक यू सर, अब हम आपका अकाउंट खाली कर देंगे। हैशटैग रेशमा चुगना लगा गई। बाय बाय। हेलो 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 भाई 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 पर लट गया, बर्बाद हो गया भाई। क्या बात हो गई, इतना भी परेशान हो रहा है? क्या हुआ ब्रो? भाई मेरे पास मैसेज आया था, रेशमा से बात कर लो, उन्होंने OTP मांगा और मेरे सारे के सारे पैसे कट गए। तो ऐसे OTP कौन देता है ब्रो? और एक बात बता, तू तो कह रहा था कि तू लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता, फिर रेशमा के चक्कर में कैसे फंस गया? भाई बोलते तो सब है लेकिन मन तो सबका करता है। चल अब एक काम कर, कल सुबह बैंक चलेंगे, अब तो कुछ हो नहीं सकता, वहां जाके देखते हैं कुछ हो पाएगा तो। वैसे कितने पैसे थे तेरे अकाउंट में? भाई पूरे 1200। 1200 रुपए? अबे साले बेफालतू हमारी नींद खराब कर दी, चल हट यहां से, सोन दे। अरे पागल, सो जा। चल चल चल। भाई यार क्यों रो जा रहा है यार, चुप हो जा। के दर्द उठ गया भाई तेरा, क्यों रोन लग रहा है तू? और साले कितना गंदा रो रहा है तू, एक बार तो मेरे को लगा कोई सुअर का बच्चा गाड़ी वाड़ी के नीचे आ गया। भाई क्या दिक्कत होगी इसका, क्यों रो रहा है? भाई की सेटिंग नहीं आई आज, इसलिए रो जा रहा है। बस इतनी सी बात? तो इसमें रोने की क्या दिक्कत है? ब्रो कल रात से लंच नहीं किया, लंच करने का बहुत तेज मन कर रहा है। अबे साले आराम से बोल, कुछ सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ब्रो लंच की तो बात कर रहा हूँ। तेरे लंच का मतलब सबने पता, ठीक है ज्यादा बकवास मत कर, चुप हो। राम हाँ तेरी तो सेटिंग आ गई ना, हम क्या करें यार, हमारा तो जीने का मकसद ही खत्म होगा। क्या बकवास कर रही है? कुछ नहीं, वो कह रहा है कि भाभी बहुत ही सुंदर है। ओह अच्छा, तुम भी ना आ जाओ, चल चलते हैं। भाई मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब घर जाऊँ ना तो सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाऊँ। सही है यार, लेकिन तू इतना सब कुछ मैनेज कैसे करेगा? अरे मेरे पास एक इनकम का सपोर्ट है जहाँ से मैं एक्स्ट्रा इनकम करता हूँ और अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर लेता हूँ। कैसे? बाइक रेंट पे दे दी क्या? अरे नहीं यार, मैं ऑनलाइन ओक्टा एफएक्स से ट्रेडिंग करता हूँ। ओह अच्छा, मैंने सुना तो है इसके बारे में, बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। हाँ हाँ मैं भी उनमें से एक हूँ, आज सुबह ही एक बहुत अच्छी डील क्लोज हुई है और मैंने 5000 रुपए जीत भी लिए। फिर बताना इसके बारे में। तूने आज से पहले कभी ट्रेड किया है? नहीं कभी नहीं। ओके फिर ओक्टा एफएक्स तेरे को सूट करेगा क्योंकि उसके पास बिगिनर्स के लिए सब कुछ अवेलेबल है, एजुकेशन कंटेंट, वेबिनार्स हिंदी और इंग्लिश में और डेमो अकाउंट भी मिलेगा, तो इसमें रिस्क की कोई बात ही नहीं है। डेमो अकाउंट से शुरू कर और जब तू कॉन्फिडेंट हो जाए तो रियल अकाउंट में स्विच करके रियल प्रॉफिट अर्न कर। लेकिन विड्रॉल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ सिंपल और बहुत स्मूथ है, तो पैसे डायरेक्ट अपने बैंक कार्ड में ले सकती है या फिर पेटीएम वगैरह में भी ले सकती है। मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करेगी तो तुझे 100% होली बोनस भी मिलेगा और ये सिर्फ 4 अप्रैल तक वैलिड है, तो जल्दी डाउनलोड कर ले। हाँ हाँ क्यों नहीं, देख मैंने डाउनलोड कर भी लिया। चल तो अब इसी खुशी में कैंटीन का बिल भर दे, चलो रे। कॉलेज का पहला सेमेस्टर कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला, और 2 दिन बाद हमारी छुट्टियां पड़ जाएंगी, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो छुट्टियों में? घर ही जा रहे होगे ना? और नहीं तो क्या ब्रो, घर ही जाएंगे, पड़ोस की लड़कियां वेट भी तो कर रही है, वैसे भी काफी दिन हो गए लंच करते करते, घर जाके ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों एक साथ करूंगा। क्या फंकी, 1 मिनट में तो तुम्हारा लंच हो जाता है, बातें तुम इतनी बड़ी बड़ी करते हो, आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये लड़की हाथ से नहीं निकल जानी चाहिए। इन दोनों का भी अलग ही है। वैसे तुम क्या कर रहे हो इन छुट्टियों में? मैंने तो मम्मी को बोल दिया कि उनके लिए बहू मिल गई है, तो सबसे पहले पायल को मम्मी से मिलवाने लेके जाऊंगा, उसके बाद इसको उसे घर छोड़ के आऊंगा, फिर देखते हैं शादी की सहनाई कब बजती है। क्यों भाई? अच्छा गाइस मुझे ना कुछ काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ, ठीक है एंजॉय।
तेरा क्या प्लान है दुबे, घर जा रहा है कि नहीं? हम तो अभी हॉस्टल में रुकेंगे, कुछ दिन रुक कर घर जाएंगे। हाँ तेरा घर है भी तो दूर। सही है, बहुत हो गई इनकी लव स्टोरी, अब सही टाइम आ गया है। तो भाई तेरी कल की पैकिंग हो गई? हाँ सारा सामान रख लिया मैंने। और हेलो, ठीक है मैं आई। क्या हुआ? पता नहीं कॉलेज के मेन गेट से फोन था, बोल रहे थे मौसी आ रखी है, मैं जाके देखती हूँ। ठीक है, ओके बाय। यार इसका फोन क्यों नहीं मिल रहा? हाय, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो और इतना परेशान क्यों लग रहे हो? यार कल से पायल का फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन ही नहीं मिल रहा, ना ही मैसेज के रिप्लाई कर रही है, पता नहीं कहाँ गायब है। अरे यार यहीं गई होगी, छोटी बच्ची थोड़ी है। यार फिर भी उसने आज तक ऐसा नहीं किया, मेरे को बता के तो जाती, कहीं जाती तो। अरे किसी काम में बिजी होगी, इतनी क्या टेंशन लेनी। मैं एक बार गर्ल्स हॉस्टल में जाके देखता हूँ। गर्ल्स हॉस्टल में होगी तभी तो मिलेगी ना। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सब ठीक है ना? यार एक बार पायल को बुलाइयो, कल से उसका फोन ही नहीं मिल रहा, ना मैसेज के रिप्लाई कर रही है, पता नहीं कहाँ बिजी है। पर पायल तो हॉस्टल में नहीं है, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी। क्या हॉस्टल में नहीं है, तो फिर वो कहाँ गई? कल उसकी मासी आई थी, कहीं उनके साथ तो घर नहीं चली गई? हाँ हो सकता है यार, लेकिन मुझे बताकर तो जाना चाहिए था ना। अच्छा तुम इतने परेशान मत हो, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है चल, ठीक है, थैंक यू। राम, यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलना। अच्छा तुम्हारी पायल से बात हुई क्या? क्योंकि कल तुम बहुत परेशान लग रहे थे। नहीं यार उसका फोन ही नहीं मिला। तो उसने भी कॉल करना जरूरी नहीं समझा? शायद। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो कभी ऐसा ना होता। अब क्या ही फर्क पड़ता है, चलो बाय। राम बोलो क्या हुआ? यार मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या समझते हो, लेकिन तुम पायल से बहुत बेटर लड़की डिजर्व करते हो, एंड आई रियली लव यू। यार तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे को 50 बार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं तेरे से प्यार नहीं करता, हम सिर्फ दोस्त हैं, प्यार मैं पायल को करता हूँ, लेकिन गलती मेरी है, मेरे को तेरे से दोस्ती भी ना रखनी चाहिए थी। रुको, शायद तुम्हें ही ना प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। मैं MLA की बेटी हूँ, मैं जिस लड़के पे भी हाथ रखती हूँ ना वो आज तक मेरा हुआ है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इस चीज का फायदा मत उठाओ। मैंने तेरे को पहले भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ, तू चाहे MLA की बेटी हो चाहे प्रधानमंत्री की, मेरे को इस बात पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज तक तुझे शहरी पप्पू टकराए होंगे, कोई हरियाणवी शायद पहली बार मिला है, अपनी दोस्त अपने पास रख। ठीक है, आज तो इसने हद ही कर दी, अगर तूने अब भी कुछ नहीं किया ना तो फिर अब इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।